नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोयला कांकनी स्कैम से मुतालिक कैग रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई में खलल, वज़ीर आज़म से बयान देने का अपोजिशन ने किया मुतालिबा। रेल किराए में किए गए इजाफे को वापस लेने का नए वजीर रेलवे ने किया ऐलान। कर्नाटक में इख्तदार की तब्दीली को लेकर तजस्सुस बरकरार, येदियुरप्पा पुरुम्मीद, चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने क्यादत की तब्दीली को किया मुस्तरद। रियासती वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने काबिनी ओहदे से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को रवाना किया मकतूब। असेंबली इजलास की आज कार्रवाई, पुरसकून अवामी मसाइल पर हुए मुबाहस। और कोफी अनान के अमन मंसूबे पर अमल करने सदर बशर अल-असद से अमरीका का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। नए मरकजी वजीर रेलवे मुकुल रॉय ने रेलवे बजट के दौरान इजाफा किए गए रेल किराए को वापस लेने का ऐलान किया है। लोकसभा में मुकुल रॉय ने बताया कि फर्स्ट क्लास एसी और सेकंड क्लास एसी को छोड़कर दूसरे दर्जों में किए गए इजाफे को वापस लिया गया है। मुकुल रॉय ने बताया कि रेलवेज को माशी और हिफाजत से चलाना उनका अहम मकसद है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि रेलवे के लिए बेहतर वसायल पैदा करना उनकी पहली तरजीह होगी। थ्री पैसा एंड फाइव पैसा पर किलोमीटर इन सेकेंड सुपर वन एंड नॉन सुपर वन स्लीपर क्लास इज इन इफेक्ट ए ह्यूज ड्रेन ऑन द पॉकेट्स ऑफ द मासेस। सिमिलरली द इंक्रीज इन फेयर्स इन एसी चेयर कार एंड एसी थ्री टीयर क्लासेस व्हिच इज नाउ बीइंग पेट्रोनाइज्ड बाय द मिडिल क्लास इज ऑल्सो क्वाइट सीवियर। आई इंटेंड टू गिव रिलीफ टू द ऑल। दौलत मुश्तरका खेलों टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद कोयले की कांकनी के स्कैम ने यूपी हुकूमत की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन जमातों ने तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए के इस स्कैम की तहकीकात कराने और वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से जवाब देने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा। कैग की रिपोर्ट में 155 मकामात पर कोयले की कांकनी के लिए हर्राज के तरीक़ेकार पर अमल न किए जाने का इंकशाफ किया गया था, जिससे हुकूमत को 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, जनता दल यूनाइटेड के अरकान अखबार में शायद कैग रिपोर्ट की कापियाँ लहराते हुए फौरी इस पर मुबाहस का मुतालबा करने लगे। एहतजाजी अरकान ये हुकूमत काली है के नारे भी लगा रहे थे। लोकसभा में अरकान के मुसलसल एहतजाज को देखते हुए स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। राज्यसभा में भी ऐसे ही मनासिर देखे गए। बीजेपी अरकान का कहना था कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि कोयले का कलमदान रखते हैं, इसलिए उन्हें सिलसिले में बयान देना चाहिए। राज्यसभा में अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर कोयला कांकनी स्कैम पर अपोजिशन के एहतजाज का सामना कर रही वजारत कोयला ने कैग रिपोर्ट मौसूल होने से ही इंकार कर दिया है। मरकजी वजीर कोयला श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कोयले की कांकनी के लिए किसी भी तरह के कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शफाफ तरीके से कोयले की कांकनी माहदों को खतियत दी गई थी। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हुकूमत का मकसद पैसा कमाना नहीं था। उधर वजीर आजम के दफ्तर ने कोयले की कांकनी के माहदों से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया है, जबकि कैग ने भी इस मसले पर अपना मौकफ बदलते हुए कहा कि अभी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है और यह तकमील के मराहल में है। कर्नाटक में इख्तदार की तब्दीली को लेकर जारी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा और साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने आज दिल्ली में पार्टी सदर नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया।
नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपने मौकफ से वाकिफ करवा दिया है। अब यह पार्टी आलाकमान पर मुनसिर है कि वो क्या फैसला लेती है। उधर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत में क़यादत की तब्दीली के इम्कान नजर नहीं आते। That is left to the high command to take appropriate decision. We will obey their orders. Are you still hopeful that it would be in your? I am not having any anything in my mind. It's all left to the All India leadership. Karnataka Rajya da Desha da Janatege Yugadi Shubhashayan Kortene. कोलकाता के हाथी बागान मार्केट में आज सुबह आग लगने से फल सब्जी मछली और घी की कई दुकानों को आग लग गई। इस वाकये में किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है। बताया जाता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। 30 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब को अवाम के सामने लाया गया है। अरबी जबान में तहरीर करदा इस किताब में मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ज़िंदगी और इस्लाम पर आपकी शख्सियत के असरात का तफसीली अहाता किया गया है। इस किताब को सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक से मौसूम किया गया है। इस किताब की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, जबकि इस किताब का वजन 1.5 टन बताया गया है। इस किताब को 27 फरवरी को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। रियासती वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने काबिनी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। डीएल रविंदर रेड्डी ने सदर एआईसीसी सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो उससे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने काबिना से इस्तीफा देने का फैसला किया है। डीएल रविंदर रेड्डी ने मजीद कहा कि गांधी भवन में जो कुछ हो रहा है उससे पार्टी का विकार मुतासर हो रहा है। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में पार्टी की हालत का संजीदगी से जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में उन्होंने जिला सदर की हैसियत से काम किया था, लेकिन आज पार्टी में बुनियादी सतह से काम करने वालों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। डीएल रविंदर रेड्डी ने जिमनी इंतखाबात में पार्टी को हुई शर्मनाक शिकस्त के लिए तमाम काबिनी वज़रा से जिम्मेदारी लेने का मुतालबा किया। उन्होंने जिमनी इंतखाबात के हलके जात के इंचार्ज वज़रा से फौरी इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी से ज्यादा ओहदों की फिक्र करना मुनासिब नहीं है। उधर साबिक वजीर शंकर राव ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा पीसीसी आमला के तमाम अरकान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस के शर्मनाक मजाहरे के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के रवैये की वजह से दलित कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। शंकर राव ने कहा कि वाईएसआर के बहबुद्धि प्रोग्रामों की वजह से कोवूर से प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत बदनुमान अफराद का साथ दे रही है। शंकर राव ने जगन से मुतालिक सवाल पर कहा कि आखिर जगन कांग्रेस के ही हैं। एआईसीसी के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी और साबिक वजीर शंकर राव की जानिब से जिमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से मुतालिक दिए गए बयान पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अगर सीनियर सी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अगर पार्टी के किसी लीडर को कोई शिकायत है तो उसे आलाकमान से रुजू कर सकता है। उन्होंने कहा कि सियासत में हार जीत लगी रहती है और कांग्रेस कई बार इस तरह के हालात का सामना कर चुकी है, लेकिन पार्टी को कभी भी कमजोर होने नहीं दिया गया। रियासती असेंबली में आज पुरसुकून अंदाज में कार्रवाई हुई। अवामी मसाइल पर अरकान ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई। जुमेरात को इजलास की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन की तहरीकात इल्तवा नामंजूर होने के बाद तेलुगुदेशम ने वैट को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जबकि टीआरएस ने आम हड़ताल के दौरान आरटीसी मुलाजमीन के साथ किए गए वादे पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए शोरगुल किया। इस पर स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो वक्फे सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। महकमे फाइनेंस के वजीर अनमराम नारायण रेड्डी ने अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हासिल किया है।
उन्होंने बताया कि 6.5 तक 13% सूद पर यह कर्ज हासिल किया गया है और इसकी अदायगी के लिए 7 साल तक 25 साल का वक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने जो कर्ज हासिल किया है उससे पुराने कर्जजात की सूद के साथ अदायगी करते हुए तरक्याती कामों और सरकारी असासों में इजाफा किया गया है, जिस पर अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत मरकजी हुकूमत से कर्ज हासिल न करते हुए मार्केट से कर्ज ले रही है और नए कर्ज से पुराने कर्ज की अदायगी की जा रही है, जिस पर वजीर फाइनांस अनमराम नारंडी ने कहा कि 1994-2004 में लिए कर्ज की अदायगी के साथ तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि रियासत और बिलखसूस दोनों शहरों में कवायद के मुताबिक कितने फायर स्टेशन होने चाहिए और कितने काम कर रहे हैं, कितने अमले की जरूरत है, महकमे फायर सर्विस को कितना फंड मख्तस किया गया है। मेक नोट सर, आई वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर सर, वी हैव इमरजेंसी फायर एग्जिट सर, एंड मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मॉल्स इन हैदराबाद और अदर प्लेसेस सर, दीस फायर एग्जिट्स आर क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, दीस फायर एग्जिट्स नीड्स टू बी ओपन, केप्ट ओपन। एंड हियर सर, लास्टली सर, When I say that, when I was seeing all these, sir, इसमें यहाँ पर है सर, मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा सब आखिर में, ये असेंबली में भी साहब हमारे पास कहां पर है, बोलिए सर, असेंबली सेशन यहाँ पे एक जगह पर भी फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है क्या सर? कहीं पर भी नहीं है सर। एंड when we talk about people and the multiplexes and all, where are we sir? फायर स्टेशन असेंबली से कितनी दूर है सर यहाँ से? रीफिलिंग का भी यहाँ पे नहीं है साहब। लेट मी एनलाइटन द ऑनरेबल मेंबर, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सैंक्शनड अ परमानेंट फायर स्टेशन टू बी सेट अप इन द प्रीमिसेस ऑफ द एपी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट बिटवीन द काउंसिल एंड द असेंबली। सर इसके लिए मैं चाहूंगा सर, एंड इसमें फायर डिपार्टमेंट के लिए सर, ये कब इसके वैकेंसीज को आप फिल करेंगे, कब आप इसको पूरा करेंगे और बजट एलोकेशन कितना है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, और जो रिक्वेस्ट में आपके जरिए हुकूमत से करा हूं सर कि फायर के जो आप एनओसी के लिए जो चार्जेस ले रहे हैं उसको रिड्यूस करिए, एंड ऑल दैट अमाउंट व्हिच इज कलेक्टेड एज एन इंस्पेक्शन फीस फॉर इश्यूएंस ऑफ एनओसी, दैट अमाउंट शुड गो टू द फायर डिपार्टमेंट सर। अगर वैसा होगा साहब तो वो उस अमाउंट से दे कैन इंप्रूव द फायर सर्विसेज साहब। आज शहर में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो वहीं पर कहीं नहीं है साहब। जिस पर वजीर दाखला सबिता इनरेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि 50,000 अफराद के लिए एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जबकि जीएचएमसी में 3 लाख अफराद के लिए ही एक फायर स्टेशन है। वजीर दाखला ने एतराफ किया कि रियासत में फायर स्टेशन की कमी है। खालिद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने निजामिया तिब्बी कॉलेज का मसला उठाते हुए कहा कि हुकूमत इस कॉलेज के साथ सौतेलाना रवैया अख्तियार कर रखी है। निजामिया तिब्बी कॉलेज के ताल्लुक से साहब, जहाँ पे यूनानी मेडिसिन की तालीम दी जाती है, जो चार मीनार के पास बहुत बड़ा चार मीनार दवाखाने से मशहूर है, उस यूनानी मेडिसिन के ताल्लुक से साहब, वहां पर आज हुकूमत की लापरवाही और मैं समझूंगा कि एक सौतेला सुलूक यूनानी मेडिसिन के साथ किया जा रहा है, इस वास्ते क्योंकि यूनानी मेडिसिन का मीडियम ऑफ एजुकेशन उर्दू में है और वहां पर असातेजा का तखरुर जो हो रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नॉन उर्दू ना, जो उर्दू से वाकिफ नहीं है, उनको वहां पे तखरुर किया जा रहा है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट हो या टीचिंग फैकल्टी होने दीजिए, वहां पे उर्दू के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वहां पे एक मिसाल मिलती है, जिसकी वजह से टीचिंग स्टाफ कम है, स्पेस कम है वहां पे, और टीचिंग स्टाफ कम होने की वजह से आज तो तुलबा और तालिबात के तालीम पर असर पड़ रहा है, ना सिर्फ तालीम बल्कि स्पेस कम इस वजह से हो रहा है कि वहां उसी कैंपस में आयुर्वेदिक कॉलेज को लाया गया था, और उस वक्त लाया गया था जिस वक्त आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए जगह नहीं थी, और यह कहकर लाया गया था कि आयुर्वेदिक कॉलेज को एक नई बिल्डिंग बनने के बाद वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अमीरपेट में एरागड्डा में आयुर्वेदिक कॉलेज की एक बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यूनानी कॉलेज के कैंपस से आयुर्वेदिक कॉलेज को शिफ्ट नहीं किया गया, टीचिंग स्टाफ नहीं है, तेलुगु जानने वालों को वहां पे तहरूर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एमडी के एडमिशंस भी नहीं हुए साल इस साल। सर इट इज सो सैड दैट एमडी एडमिशंस कुडंट बी
held in that Unani medicine this year because of deficiency in faculty members, deficiency in equipment, the building, at the same time the space sir. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जो वादा किया था आपने कि आयुर्वेदिक कॉलेज को शिफ्ट करेंगे और वादा जो किया था कि उर्दू जानने वालों को असातेजा के पोस्ट पर चाहे प्रोफेसर हो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या ट्यूटर हो उर्दू जानने वालों को करेंगे तो फौरन एक आयुष की एक मीटिंग बुलाकर इस मसले को हल करें नहीं तो साहब ये यूनानी मेडिसिन की जो तालीम है ये खत्म हो जाएगी और इसके साथ खत्म करने की एक साजिश की जा रही है मुसलसल क्योंकि ये उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है तो मेरी आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त गुजारिश है कि एक मीटिंग बुलाइए और एक साल पहले जो वादा आप करे थे उसको पूरा कीजिए बिल्डिंग इतनी अच्छी बिल्डिंग है वो भी खराब हो रही है स्पेस कम है टीचिंग फैकल्टीज नहीं है इक्विपमेंट नहीं है लाइब्रेरी में इतने ऐसे बुक्स हैं साहब कि सारी दुनिया से लोग आकर देखते हैं बुक्स पूरे खराब हो रहे हैं साहब उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो इस यूनानी मेडिसिन को बचाने के लिए जो भी जरूरी इकदाम है एक हम वहां के लोकल MLA और हमारे साथ एक मीटिंग बुलाएं तो मैं समझता हूं बेहतर होगा और अरसे दराज से जो पेंडिंग है मसला वो हल होगा और हम यूनानी मेडिसिन को बचा सकते हैं। मजलिस के विरासत रसूल खान ने खुसूसी पिटिशन के जरिए कहा कि नौजवानों में मंशियात की आदत आम होती जा रही है और खुलेआम मंशियात फरोख किए जा रहे हैं और उस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए और सिलसिले में जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। बींग सोल्ड इन हैदराबाद लाइक कोक चॉकलेट्स एक्सेट्रा सर द ड्रग्स आर नॉट ओनली सप्लाइड डायरेक्टली बट ऑल्सो थ्रू डोर डिलीवरी सर Sir, the police is arresting some foreigners and Tollywood actors and giving a wide publicity in this regard, sir. Sir, the students of colleges and schools are being addicted, sir. And once he or she gets addicted, they will do anything to get money for purchase of this drug, sir. It's a very dangerous trend, sir. And recently, a girl and boy, sir. Saab, zara suniye, bahut important hai, sir. सर रिसेंट लिखे भी जा दीजिए नहीं नहीं साहब मैं लिखे तो बहुत है खाली 10 मिनट ले रहा हूं आपका साहब रिसेंटली ए गर्ल एंड ए बॉय ऑफ ए रिप्यूटेड स्कूल स्टडिंग इन 6th क्लास दे वर फाउंड ड्यूरिंग लंच आवर इन ए पब एंड व्हेन द पुलिस सर्च्ड द ड्रग्स वर फाउंड इन गर्ल्स बैग सर So what I want to say here, sir, not only college students, but school students are getting addicted, sir. Yes, yes. Sir, the drugs are available at clubs, hotels, malls, railway stations, various other places, sir. Yes. Sir, Begum Bazaar mein, ek aakhri, Begum Bazaar mein, aap 100 rupaye deke jaakar badh gaye, zaban nikal ke, तो सांप का एक छोटा सा सांप निकालते निकाल के जबान पे जो है शॉट मारते 100 रुपए में शॉट मारते जो शॉट खाता जबान सांप के बच्चे की फिर उन्हें 3 दिन तक जंग बॉन्ड बना हुआ रहता हैदराबाद में। यस साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर हमारे कमिंग जेनरेशन का मामला है ये हमारी पूरी जेनरेशन स्पॉइल हो जा रही है सीनियर मेंबर तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं मैं आप भिजा दे रहा हूँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मैडम सर कि मैडम को बोलिए कि इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए पुलिस जो है खाली टॉलीवुड एक्टर को पकड़ रही उसके बाद खत्म हो जा रहा मामला फॉरेनर्स को पकड़ रही छोड़ दे रही जरा हमारे कॉलेज और स्टूडेंट्स के बच्चों को जरा देखो बोलिए सर। यस जगन मोहन रेड्डी के असासजात के सिलसिले में जारी तहकीकात के सिलसिले में सीबीआई ने आज आईएएस अहदेदार राजगोपाल से पूछताछ की पता चला है कि सीबीआई ने तकरीबन 3 घंटों तक राजगोपाल से पूछताछ की सीबीआई अहदेदारों ने वाईएसआर के दौर में अराजी अलॉटमेंट के अहकाम से मुतालिक सवाल किए वरंगल में बरखी तार के लारी से टकराने से मिर्च के थैलों से लती लारी में आग लग गई ज़राए के मुताबिक मुकामी किसानों की जानिब से बड़ी मकदार में मिर्ची मुंतकिल की जा रही थी और लारी में काफ़ी लोड था जब लारी बरखी तार से टकरा गई तो लारी में आग लग गई और कई टन मिर्ची जलकर खाकस्तर हो गई
अमरीका ने शाम को इंतबाह देते हुए कहा कि शाम को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरिका मंदूब कोफी अनान से ताउन करना चाहिए। अमरीका की वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने शाम के सदर बशर अल असद पर जोर दिया है कि शाम की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन करना चाहिए या फिर उसे दबाव और तन्हाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस और चीन की हिमायत से इदारे के मंदूब कोफी अनान की जानिब से पेश किए गए अमन मुंसिबी की तायद कर दी है। उधर शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। इंसानी हकूक के नुमाइंदों ने बताया कि हमस की अलरफाई कॉलोनी में 39 लाशें दस्तियाब हुई हैं जिन्हें 10 दिन कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिया था। फ्रांस के शहर तुलूज़ के रिहायशी इलाके में यहूदी स्कूल के पास फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर मोहम्मद मीरा से पुलिस का राबता मुनक़ते हो गया है। पुलिस मोहम्मद मीरा को खुद सुपुर्द हो जाने की तरगीब देने की कोशिश कर रही थी। गुज़िश्ता रात देर गए इस इलाके में 3 जोरदार धमाके सुने गए जहाँ पर यहूदी अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम के छुपे रहने की इत्तला मिली थी। मुकामी मेयर ने बताया कि इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट में ऑपरेशन शुरू किया गया था लेकिन फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने इसकी तस्दीक नहीं की है। फ्रांस के शहर तुलूज़ में गुज़िश्ता रात हुए धमाकों के बाद खौफ का माहौल देखा जा रहा है। जनूबी अफ्रीका के मुल्क माली में सदारती महल पर हमले के कई घंटों बाद बागी फौज ने सरकारी टेलीविजन पर मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लेने का ऐलान किया है। बागियों ने मुल्क भर में कर्फ्यू का ऐलान करते हुए आईन को भी मुअत्तल कर दिया है। माली के मुनहरिफ फौजियों ने 4 शंबे को बगावत का ऐलान कर दिया था जिसके बाद हुकूमत की हामी फौज और बागियों के दरमियान ज़बरदस्त फायरिंग का तबादला अमल में आया था। बागियों का कहना है कि हुकूमत नस्ली ग्रुपों से निमटने के लिए उन्हें मुनासिब हथियार फराहम नहीं कर रही है। 4 शंबे को बागियों ने बमाको के टेलीविजन और रेडियो पर कब्जा करके उसे बंद कर दिया था। तहम कई घंटों तक मालिक के रिवायती मूसीकी और रक्स के मनाजिर नश करने के बाद बागियों के एक ग्रुप ने टेलीविजन पर नमूदार होकर खुद को मुल्क में अमन की बहाली जमहूरियत और रियासत की तंजीम नौ का जिम्मेदार करार दिया। बागियों के कमांडर का कहना था कि उन्होंने एक नाअहल हुकूमत का खात्मा कर दिया है लेकिन मालिक के सदर की जानिब से अभी तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोयला कांकन स्कैम से मुतालिक कैग रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई में खलल। रेल किराए में किए गए इजाफे को वापस लेने का नए वजीर रेलवे ने किया ऐलान। कर्नाटक में इख्तदार की तब्दीली को लेकर तजस्सुस बरकरार, येदियुरप्पा पुरुम्मीद। चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने क्यादत की तब्दीली को किया मुस्तरद। रियासती वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने काबिनी ओहदे से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को रवाना किया मकतूब। रियासती असेंबली में जुमेरात को कार्रवाई, पुरसुकून अवामी मसाइल पर मुबाहस। कोफी अनान के अमन मंसूबे पर अमल करने सदर बशर अल असद से अमरीका का मुतालिबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।